For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा कार्तिक का सेपरेशन अब इस हद तक आगे बढ़ जाएगा कि कायरव की कस्टडी का केस कोर्ट में फाइल होगा और इस कस्टडी केस के बाद शुरू होगी एक बेहद बुरी लड़ाई, जिस लड़ाई में कोर्ट के सामने कार्तिक नायरा को एक दूसरे के खिलाफ कई कठिन सवालों का जवाब देना होगा। अब इतने सालों तक नायरा कार्तिक से दूर रही है तो कई सवाल उस पर भी उठेंगे, चार ऐसे सवाल जो कि कार्तिक नायरा को हैरान कर देंगे और दोनों इन सवालों का क्या जवाब दें वो दोनों को समझ नहीं आएगा। पहला ये कि आखिर क्यों 5 साल पहले नायरा कार्तिक को छोड़कर चली गई थी, उसका सच बताना होगा कोर्ट में इन दोनों को। फिर उसके बाद कार्तिक का व्यवहार कैसा है, क्या कार्तिक नायरा को तंग करता था, इस सवाल का जवाब भी देना पड़ेगा नायरा को। वहीं नायरा के लिए भी जज साहब कार्तिक से ये सवाल ज़रूर पूछेंगे। यहाँ पर नायरा के कैरेक्टर पर भी सवाल उठ सकता है क्योंकि ये कोर्ट है और यहाँ हर तरह की बात होगी। यहाँ पर पूछा ये भी जा सकता है कि क्या कायरव को नायरा ठीक से पाल सकती है, क्या नायरा कायरव की सारी इच्छाएं, कायरव के सारे नखरे उठा सकती है, यानी कि एक बच्चे को एक अच्छी परवरिश दे सकती है। उसके बाद आखिरी सवाल ये होगा कि क्या कार्तिक नायरा एक साथ रह सकते हैं और क्या 5 साल अलग रहने के बाद कार्तिक नायरा की शादी खत्म हो चुकी है या फिर अभी भी उस शादी के दोबारा जुड़ने के चांसेस हैं और क्या वेदिका कार्तिक की शादी लीगल है। बल हम तो यही उम्मीद करते हैं कि इन सारे सवालों के जवाब देने के बाद कायरा किसी सही डिसीजन पे पहुंचे और जो भी हो वो कायरव के लिए बेस्ट हो। सब्सक्राइबर्स टॉप न्यूज़ की रिपोर्ट। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News.